हाय फ्रेंड्स, एक नया रेसिपी लेके आई हूँ। पनीर पनीर रोल, ऐसे मैदे के आटा का रोटी जैसा बना लिए हैं पहले, चपाती जैसा। ये है पनीर, ये है प्याज और ये है शिमला मिर्च, ये है कच्चा मिर्च और ये है खीरा। पनीर रोल आप एक बार ट्राई करके देखिए, बहुत ही टेस्टी बनेगा। और ये न्यू रेसिपी है और नए तरीके से आपको हम बना के दिखा रहे हैं। अब देख सकते हैं हमारा कढ़ाई गर्म हो चुका है। इसमें हम कम से कम 5 से 6 टेबल स्पून सरसों तेल देंगे। फिर थोड़ा सा हम सरसों तेल को गर्म होने देंगे। हमारा कढ़ाई तेल गर्म हो चुका है, इसमें प्याज पहले दे देंगे। प्याज को हम पहले हल्का सा लाल भूनेंगे। हल्का सा जब भून जाएगा तब इसमें हम शिमला मिर्च दे देंगे। प्याज 2 से 3 मिनट तक हमारा हल्का सा भून चुका है और थोड़ा भूनेंगे। अब प्याज हल्का भूनने के बाद इसमें हम शिमला मिर्च डाल देंगे, क्योंकि शिमला मिर्च को गलने में थोड़ा टाइम लगता है। लास्ट में पनीर को डाला जाता है। जब मेरा शिमला मिर्च अच्छी तरह से गल जाएगा तब उसमें हम पनीर डालेंगे। पहले हम थोड़ा शिमला मिर्च पहले डाल दें। नमक 1 टेबल स्पून और थोड़ा सा नमक डालने से हमारा शिमला मिर्च जल्दी गल जाएगा, इसीलिए पहले हम नमक थोड़ा डाल दिए। अब इसमें हल्दी पाउडर, हल्दी पाउडर 1/2 टेबल स्पून, आधा चम्मच और थोड़ा सा। एक बार हल्दी नहीं देते, 2 बार इसीलिए हम हल्दी दे दिए। आप अपने स्वाद अनुसार दे सकते हैं। और ये है हमारा गरम मसाला। में गरम मसाला, जीरा, धनिया और गोल मिर्च पाउडर, ये हम देंगे 1 टेबल स्पून, इससे ज़्यादा नहीं। और इसमें लाल मिर्च पाउडर हम 1/2 टेबल स्पून, आप अपनी तरह जो आप जैसा स्पाइस खाना चाहें वैसा आप दे सकते हैं। अब इसको अच्छी तरह से भून देंगे। अब ये जब तक शिमला मिर्च और इसमें दो मैगी मसाला इसमें हम देंगे। ये पनीर रोल आप फ्राई करके देखिए, बहुत ही टेस्टी होता है। जब तक मेरा शिमला मिर्च थोड़ा सॉफ्ट ना हो जाए तब तक इसको हम छोड़ देंगे थोड़ा। अब देख सकते हैं हमारा शिमला मिर्च पूरा अच्छी तरह से पक चुका है और इधर हमारा चपाती पक रहा है। ये मैदे का चपाती है और इसमें हम पनीर जो लिए हैं उस पनीर को डाल देंगे। आप चाहे तो थोड़ा सा कच्चा मिर्च डाल सकते हैं। हमारा चपाती देखिए कैसे एक बड़ा रोल जैसे बनाते हैं, वैसा चपाती तैयार किया जा रहा है। इसमें पानी नहीं डालना है, ये ऐसा ही ग्रेवी ग्रेवी बनेगा। इसमें पानी नहीं डालना है, ये ऐसा ही ग्रेव बनेगा। अब इसको थोड़ा देर सॉफ्ट होने के लिए छोड़ देंगे, इसको थोड़ी देर ढक के सॉफ्ट होने के लिए छोड़ देंगे। अब देख सकते हैं हमारा चपाती तैयार है। इस चपाती में ऐसे पनीर को पहले ऐसे पनीर को सजा देते हैं बीच में। आप चाहे तो ग्रेव ज़्यादा भी दे सकते हैं, ग्रेव आप कम करके भी दे सकते हैं, आपके ऊपर है। अब इसमें हम थोड़ा खीरा दे देंगे, थोड़ा प्याज दे देंगे, थोड़ा सा टमाटर सॉस दे देंगे
थोड़ा सा चिल्ली सॉस दे देंगे। और स्पाइस के लिए थोड़ा सा कच्चा मिर्च दे देंगे। अब इसे रोल की तरह पहले अच्छे से फोल्ड कर लेंगे। तैयार है, इसको आप रोल को सलाद के साथ और सॉस के साथ आप खा सकते हैं। आप एक बार घर में ट्राई कीजिए, बहुत ही टेस्टी ये रोल है। और मेरे चैनल पे कमेंट करके बताइए, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।